ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विश्व ब्रेल दिवस के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर रितेश तोमर और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। आप में से कई श्रोताओं ने ब्रेल शब्द के बारे में कभी ना कभी जरूर सुना होगा, और हमारे बहुत सारे श्रोता ब्रेल के बारे में ये भी जानते होंगे कि ये एक ऐसी लिपि है जिसे जो दृष्टिबाधित हैं, जो देख नहीं पाते हैं, वो अपनी पढ़ाई लिखाई में इसका इस्तेमाल करते हैं, अपने प्रोफेशनल करियर में इसका इस्तेमाल करते हैं। और लुईस ब्रेल नामक शख्सियत ने इस ब्रेल को बनाया था, इसीलिए 4 जनवरी, क्योंकि उनका जन्मदिवस होता है, पूरे विश्व में आज का दिन ब्रेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। रितेश जी, अगर हम इस दिन की इम्पोर्टेंस को आपसे हमारे श्रोताओं के लिए समझना चाहेंगे कि कैसे ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण है दृष्टिबाधित लोगों के लिए और एक आम समाज के लिए, क्या कहेंगे आप इस पर? कमल, ये सवाल बहुत रोचक है और अच्छा किया आपने शुरू में ही इसको रख दिया। दरअसल आज यानी 4 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस के रूप में हम मनाते हैं, और इसको हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज ही के दिन जो ब्रेल लिपि के जनक थे लुई ब्रेल, उनका जन्म हुआ। इनका जन्म 1809 में फ्रांस में हुआ। उनका जीवन काल बहुत संक्षिप्त रहा, 1852 में उनकी मृत्यु हो गई। जो कुछ संसाधन या अवशेष या फिर जो भी हमारे पास ऐतिहासिक स्रोत उपलब्ध हैं, उनके हिसाब से ये माना जाता है कि लुई ब्रेल अपने पिता के साथ कारखाने में गए हुए थे जहाँ की उनके पिता काम करते थे, और किसी औजार के लगने से उनकी आंखों की रोशनी चली गई। ये एक नुकीला औजार था, और बाद में लुई ब्रेल ने इसी औजार को, इसी नुकीली चीज को ब्रेल को लिखने के लिए और उसको पढ़ने योग्य बनाने के लिए इस्तेमाल किया। इसके पहले जो ब्रेल लिपि है इसको नाइट स्क्रिप्ट नाम से जानते थे, और ये एक तरह से जो युद्ध चल रहे थे यूरोप में उस समय, रात्रि के समय कुछ संदेशों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल में लाई जाती थी। इसको एक तरह से ऑर्गेनाइज किया लुई ने। ऐसा माना जाता है कि 1824 या 25 के आसपास इस स्क्रिप्ट का फ्रांस में लुई ब्रेल ने इजाद किया, और आज ये पूरे विश्व में इस्तेमाल की जाती है। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं, बहुत सारे नहीं भी जानते हैं। तो जो नहीं जानते हैं, 4 जनवरी उनके लिए एक अवसर है कि वे इस लिपि के बारे में जानें और इसको कैसे इस्तेमाल में लाया जाता है इसके बारे में एक नजरिया, एक समझ विकसित करें। इसके अलावा 4 जनवरी की एक दिवस के रूप में उपयोगिता ये भी है कमल, कि बदलते दौर में और बदलते परिप्रेक्ष्य में दृष्टिबाधित समाज ने ब्रेल के स्तंभल को पकड़कर बहुत लंबी विकास यात्रा तय की है। आज दृष्टिबाधित लोग अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे आप ब्यूरोक्रेसी ले लें, लीडरशिप ले लें, पॉलिटिक्स या फिर एंटरप्रेन्योरशिप ले लें, टीचिंग ले लें, बैंकिंग ले लें, कई क्षेत्रों में दृष्टिबाधित लोग बहुत अहम भूमिकाएं निभा रहे हैं और मानव संसाधन के रूप में बहुत सक्षमता से और कुशलता से कार्यरत हैं। तो उनके योगदानों को और ये विकास यात्रा कहाँ तक पहुंची है, इस पर एक चर्चा करने का अवसर ऐसे दिन हमें देते हैं, तो ये एक बहुत अहम भूमिका है इस दिवस की। बिल्कुल, और हम देखते भी हैं कि जैसा आपने कहा, कई क्षेत्रों में बहुत से ऐसे दृष्टिबाधित लोग अब ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़कर समाज में अपना एक बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं, और जैसे कहते हैं कि देश के विकास में, पूरी विश्व की प्रोग्रेस में वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हम अपने श्रोताओं के लिए एक जानकारी के तौर पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ब्रेल लिपि को अक्सर हम देखते हैं तो आमतौर पर बस लोगों के मन में ये एक छवि होती है कि एक ऐसी लिपि है जो बिंदुओं से बनती है और उसे जो देख नहीं पाते हैं वो छूकर पढ़ते हैं, इसके अलावा शायद ज्यादा जानकारी उनके पास नहीं होती है। तो क्या आप अपने वक्तव्य में कुछ आप बताना चाहेंगे कि वास्तव में इस लिपि का कॉन्सेप्ट क्या है? हालांकि इसको बताना एक बड़ी लंबी चर्चा है, लेकिन फिर भी एक समझ के लिए अपने श्रोताओं के लिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है ये लिपि आखिरकार। मैं ये बताना चाहूंगा कि कई रोचक तथ्य हैं ब्रेल को लेकर के। एक तो ये कि ये एकमात्र विश्व की लिपि है जिसको कि हर भाषा में लिखा जा सकता है, हर भाषा इसमें पिरोई जा सकती है, लिखी जा सकती है। दूसरा, ये अपने आप में एक तरह की वैज्ञानिकता लिए हुए है। जैसे मैं देख रहा था कि इसमें 63 कैरेक्टर्स हैं
और अब ये 12 डॉट्स से 6 डॉट्स तक सीमित हो गई है और दृष्टिबाधित लोग इसको एक फिंगर के टच से या फिर दो उंगलियों से भी कई बार पढ़ते हैं। इसके अलावा एक और हमको बात समझनी पड़ेगी कमल की, ब्रेल लिपि सिर्फ छू के ही नहीं पढ़ी जा सकती है, लोग उसको देख कर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो 6 डॉट्स हैं इनको अलग अलग आकृतियों में ढाल करके अलग अलग अक्षर बनाया जाता है। तो जैसे अ के लिए अलग आकृति है उन बिंदुओं की और ब के लिए, च के लिए, द के लिए अलग आकृति है, तो आप इसको आंखों से देख करके भी समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत रोचक और बहुत अच्छी बात यह भी है कि ब्रेल सीखने के लिहाज से बहुत सरल लिपि है, इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से कि आप भी इसको सीखने और समझने की कोशिश करें। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सुझाव एक दिया कि सभी लोग अगर इसे सीखने की कोशिश करें तो हो सकता है कि जिस इंक्लूजन की हम बात करते हैं कि दृष्टिबाधित लोगों की जो जरूरत है और उनकी जो मेन स्ट्रीम में लाने की जो कवायद है उसको हम पूरा कर सकते हैं। एक सवाल ये उठता है रितेश जी कि क्योंकि हर लिपि का एक विकास यात्रा होती है, जैसा कि आपने कहा ब्रेल लिपि की भी एक विकास यात्रा है, आज किस स्टेज तक ये लिपि डेवलप हो चुकी है, क्या इसमें टेक्नोलॉजी का भी कोई बड़ा रोल है जिससे कि इस लिपि को और ज्यादा सरल और सुलभ बनाया जा रहा है? जैसे हम सुनते हैं कि कंप्यूटराइज्ड हो चुकी है ब्रेल, अब कुछ इस बारे में हमारे श्रोताओं को आप जानकारी देना चाहेंगे कि कैसे ब्रेल के डिजिटल स्वरूप से जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनको और इससे फायदा मिला है? जो सूचनाओं का भयंकर प्रस्फुटन हुआ है पिछले कई वर्षों से, आप देखते हैं कि बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रहा है और कई बार संसाधनों के अभाव में और कई बार जानकारी के अभाव में हम ब्रेल में इतनी बड़ी सूचनाओं के पुलिंदे को दृष्टिबाधित समाज तक नहीं पहुंचा सकते हैं। और अगर आप मैनुअल ब्रेल की बात करें तो कई सारी उसकी सीमाएं हैं, तो आगामी वर्षों में तकनीक और ब्रेल को एक तरह से एक समन्वय में ढालने की कोशिश की गई है और इस सिलसिले में बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कंप्यूटराइज्ड ब्रेल अब हमारे पास उपलब्ध है और कई सारी ऐसे डिवाइसेज हैं जैसे ब्रेल डॉट है, एम्बॉसर हैं, कई और डिवाइसेज हैं जो कि आप इस्तेमाल में ला सकते हैं जिसमें तकनीक और ब्रेल दोनों मिलकर के दृष्टिबाधित समाज को ज्यादा सशक्त और एक्टिव बना सकते हैं। जी, तो आपने ब्रेल एम्बॉसर और प्रिंटर्स की बात की, डिजिटल ब्रेल की बात की, तो क्या ऐसे में जो हमारे इंजीनियर्स हैं, इनोवेटर्स हैं, उनका कोई अब रोल देखते हैं? क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि ब्रेल एम्बॉसर प्रिंटर बहुत महंगे दामों में होते हैं और भारत जैसे देश में शायद इनका अभी इतना मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, बाहर से इनको आयात करना पड़ता है और एक आम व्यक्ति के लिए खरीदना बड़ा मुश्किल होता है। क्या इंजीनियर्स और इनोवेटर्स या आम लोगों से आप कुछ कहना चाहेंगे कि इसमें परिष्कार को लेकर वो अपनी कुछ भूमिका निभा सकते हैं और ब्रेल के बारे में और ज्यादा अपना योगदान दे सकते हैं इस मामले में? ब्रेल और तकनीक को समायोजित करके, समन्वित करके ही हम बेहतर अवसर उपलब्ध करवा सकते हैं। ज्ञान के जो या सूचनाओं का जो संसार है उसको दृष्टिबाधित समाज तक पहुंचाने के लिए, और मेरा आह्वान है, मेरी गुजारिश है जो तकनीकी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनसे कि लगातार इस सिलसिले में इस तरह के प्रयास चलते रहें जो कि एक तरह से ब्रेल के लिखने और उसके पढ़ने की प्रक्रिया को सरल बनाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस लिपि से जुड़ सकें। इसके अलावा कमल, जैसे हम पठन पाठन में तो ब्रेल के इस्तेमाल के बारे में समझ रखते ही हैं, कई ऐसी डिवाइसेज हैं जिसको कस्टमाइज करके हम ब्रेल में उपलब्ध कराते हैं दृष्टिबाधित समाज के लिए। जैसे कि मैं आपसे अपनी बाएं हाथ की कलाई पर ब्रेल वॉच पहन करके बात कर रहा हूं, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि ब्रेल में उपलब्ध करवाई जा सकती हैं और दृष्टिबाधित व्यक्ति की जिंदगी को सरल बनाया जा सकता है। रितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज इस अवसर पर आप हमारे साथ जुड़े और हमारे श्रोताओं को न सिर्फ आपने ब्रेल के बारे में सामान्य जानकारी दी बल्कि इसके महत्व और आज के दिन की अहमियत पर भी हमारे साथ विचार साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विश्व ब्रेल दिवस के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे दिल्ली विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर रितेश तोमर और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDTalks@gmail.com।